राहुल गांधी। मुसलमानों के ठेकेदार बने फिरते हैं कुछ लोग, उनको इस बार खत्म करें। राहुल गांधी आगे तो रोजगार पर बिहार में बदलाव चल रहा है और होगा। और इस बार चुनाव में कई ऐसे युवा मतदाता हैं जो पहली बार वोट करेंगे, देश का प्रधानमंत्री चुनेंगे। तो युवा मतदाता क्या चाहते हैं, देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, युवाओं की क्या है मांग, क्या है उनकी उम्मीदें, युवा मतदाताओं की पसंद क्या है, इसे लेकर युवा वोटरों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। लोकसभा का चुनाव शुरू हो चुका है, ऐसे में युवा मतदाता क्या चाहते हैं, युवा किसे वोट करेंगे, उनकी अपेक्षाएं क्या है, उनकी उम्मीदें क्या है, हम युवा मतदाताओं से ही जानते हैं। ये तमाम जो युवा वोटर्स आप देख रहे हैं ये फर्स्ट टाइम वोटर्स है, पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग ये करेंगी। इनकी नजर में क्या बदलाव चाहिए, क्या इनकी अपेक्षाएं हैं, किसे ये वोट करेंगी, देश का प्रधानमंत्री किसे बनाएंगी, हम इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है? रुकैया फातिमा। रुकैया, देश का प्रधानमंत्री किसे चुनेंगी, युवा का वोट किधर जाएगा? जो बेहतर करना चाहेगा वो उसी की तरफ वोट जाएगा। हम लोग के लाइफ में से वुमेन है, वुमेन्स को सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, तो जो हम लोग को सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड, क्या लगता है कौन देगा? सब पार्टी अपने अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है ताकि वुमेन का एम्पावरमेंट हो सके, वुमेन सेफ्टी हो सके, बट मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा भी इस चीज में अगर कोई आगे काम कर रहा है तो वो दो पार्टी कर रही है, बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि ये दोनों कॉम्पिटेटिव, दोनों विरोधी है। रुकैया, दोनों विरोधी है, दोनों को कभी आप वोट नहीं दे सकते। वोट किसे देंगी? मुझे तो लगता है मैं कांग्रेस को वोट दूंगी, क्योंकि वो अगर वो बीजेपी को कॉम्पिटिट करना चाहता है तो वो और भी नए नए स्ट्रैटेजीज और भी नए नए स्कीम्स ला रहा है ताकि वो आगे बढ़ सके। और ये हम सभी राहुल गांधी को पीएम बनना चाहिए आपकी नजर में? हाँ, महिलाओं को सेफ रखेंगे वो, ऐसा हाँ। लगता है आपको? बिल्कुल। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है अगर मुझे मौका मिल रहा है इस बार तो मैं भाजपा को वोट दूंगी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि पिछले दो जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भाजपा जीत रही है, एंड उसके बाद उनका जो काम है, उनका जो काम करने का तरीका है, स्पेशली जो भारत का जो सिक्का कहते हैं कि आज पूरे विश्व में बोल रहा है, तो मुझे लगता है कि भाजपा काफी अच्छा काम कर रही है, एंड पर पीएम नरेंद्र मोदी ही होने चाहिए। तो मुस्कान को लगता है कि बीजेपी बेहतर काम कर रही है। आपका नाम बताइए। खुशी। खुशी, किसे वोट करेंगी? मैं भी भाजपा को ही वोट करूंगी, बिकॉज अभी तक दो बार सरकार बन चुकी है उनकी, और जितना कार्य उन्होंने किया है क्षेत्र, और जैसे G20 को देख ले, उन्होंने पूरे दुनिया में ही भारत को अव्वल किया है। बिहार को क्या मिलेगा, क्या लगता है? बिहार को बीजेपी मिलेगा। बीजेपी तो मिलेगा, लेकिन अब जब सरकार बनेगी आप वोट करेंगे, युवाओं की जो ताकत है बीजेपी के साथ जाएगी, तो क्या लगता है बिहार का विकास होगा? हाँ जी, बिल्कुल होगा। देश को तो रिप्रेजेंट आप कर रही हैं कि विश्व में अलग पहचान बन रही है। हाँ जी, बिहार को भी पहचान मिलेगी एक अलग? बिल्कुल मिलेगी बिहार को पहचान, जैसे बिहार भी अब आगे बढ़ रहा है हर चीजों में, एजुकेशन में भी आगे बढ़ रहा है, तो बिल्कुल बिहार को बहुत पहचान मिलेगी। बिल्कुल, तो कई सारी लड़कियां हैं और उनकी उम्मीदें भी हैं, और साफ लगता है कि बीजेपी उस पर खड़ी उतरेंगी। क्या नाम है आपका? अंकिता चौधरी। किसे वोट करेंगी? मैं बीजेपी को वोट करना चाहूंगी, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज़ है उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बिहार में बीजेपी के आने के बाद बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, और अभी भी डेवलपमेंट्स बहुत ज़रूरी है हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हेल्थ सेक्टर में, रूरल एरियाज़ में अभी बहुत सारे काम है जो करने बाकी है, बिकॉज बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ अभी तक नहीं पहुँच पाई हैं रूरल एरियाज़ में, तो उस पर वर्क करना होगा। एजुकेशन फैसिलिटीज़, हमारे स्टूडेंट्स कोटा जाते हैं प्रिपरेशन के लिए, यहाँ के टीचर्स कोटा जाते हैं पढ़ाने के लिए, बट वो फैसिलिटी यहाँ क्यों नहीं हो सकती? हमारे पटना या बिहार के और भी जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ क्यों नहीं हो सकती? जब स्टूडेंट्स यहाँ के हैं, जब टीचर्स यहाँ से जाते हैं, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम यहाँ प्रोवाइड कराएं तो यहाँ की जो भी इकोनॉमी है वो उसका ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा, ये जाएगा। हाँ, बिल्कुल। आपका क्या नाम है? आयुषी राज सिंह। किसे वोट करेंगी? बीजेपी। फर्स्ट टाइम वोटर? यस। तो सोच के रखा है कि बीजेपी को करना है? हाँ। प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देख रही है? मोदी जी को देख रही हूँ। मोदी जी को क्या मतलब, क्या लगता है क्या बदलाव करेंगे मोदी जी इस बार? मोदी जी की वजह से आज भारत की बेटी पूरे विदेश में जाकर अपना नाम कमा रही है, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, जिस तरह से स्कीम्स दे रहे हैं, आज छोटे से छोटे गांव की बेटी लोग बाहर निकल रही हैं और अपने आप को अव्वल बना रही हैं। बिल्कुल, तो गांव की बेटी बाहर निकल रही हैं, आप किसे वोट करेंगी, नाम पहले बताइए। बीजेपी। मेरा नाम जानवी कुमारी है। बीजेपी क्यों?
बीजेपी इसलिए क्योंकि मोदी जी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, विदेशों में देश में हमारे लिए बहुत सारी स्कीम्स ला रहे हैं, हमारे लिए बहुत सारी नौकरियां। बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में मेट्रो बना, एजुकेशन सिस्टम चेंज हुए, हमारे लिए एजुकेशन नए एजुकेशन लाए गए, ओपन बुक्स नए एजुकेशन लाए गए, हमारे लिए थोड़ी सेफ्टी का भी वो किया गया, हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो हमें उनके इस बार बीजेपी। हाँ। आपका नाम बताइए। इशिका गुप्ता। किसे वोट करेंगी? बीजेपी को। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे मोदी जी है वो इंटरनेशनल रिलेशन को बहुत ही हेल्दी बना रहे हैं। हाँ। और मैं जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अवेयर है सारी सिचुएशंस को लेकर, एजुकेशन पर ध्यान दे रहे हैं, इसलिए बीजेपी। आपका नाम बताइए। शिल्पी। किसे वोट करेंगी? बीजेपी। क्यों? क्योंकि मुझे उनकी नीति बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो देश विदेश को लेके हो। हाँ। हमारे राज्य में बिहार में इतना हाँ। कुछ कर रहे हैं और उनकी मुझे लगता है कि वो पार्टी बदलाव करेगी। हाँ, बिल्कुल। तो साफ तौर पे कहना है युवाओं का जो मत है, किसी को राहुल गांधी पसंद है, कांग्रेस पसंद है क्योंकि वो अलग बदलाव चाहती है, लेकिन ज्यादातर जो लड़कियां हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनका साफ तौर पे कहना है बीजेपी 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 बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने बहुत बदलाव किए हैं। जो भारत का सिक्का है वो वर्ल्ड लेवल पर अब अपनी पहचान बना रहा है और यही वजह है कि युवाओं की जो पहली पसंद है, इसे पहली पसंद कह सकते हैं, वो बीजेपी नजर आ रही है। फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अपना मत बीजेपी को देंगी और देश का प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को बनाएंगी। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। पूरे देश ने मन बना लिया है कि इस बार बीजेपी और बार बार बीजेपी। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा। राहुल गांधी मुसलमानों के ठेकेदार बने फिरते हैं कुछ लोग, उनको इस बार खत्म करें। राहुल गांधी आएंगे तो रोजगार पर बिहार में बदलाव चल रहा है, और होगा।